अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव आता है या चुनाव की आहट होती है तो ओबीसी कम्युनिटी में से, मोस्ट ओबीसी कम्युनिटी में से 18 ऐसी जातियां हैं जिनका मामला पिछले 17 वर्षों से शेड्यूल्ड कास्ट में जाने के लिए या तो पेंडिंग होता है या उस पर सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध राजनीति होती है। कोई ठोस पहल इन 18 मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए अब तक ये नहीं हुई कि इनको शेड्यूल्ड कास्ट में ऑफिशियली कैसे लाया जाए। इस मसले को लेकर हर सरकारों ने सियासत की लेकिन ठोस काम किसी ने नहीं किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल रद्द कर दिया उस नोटिफिकेशन को जो 2016 और 2019 में जारी हुआ। आज की परिचर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति और जाति एक दूसरे में समाहित हैं। बिना जाति के राजनीति नहीं हो सकती और बिना जाति के सत्ता नहीं मिल सकती। उत्तर प्रदेश में सत्ता पाना है तो सीढ़ी हैं जातियां, कास्ट, कम्युनिटी, और सबसे आसान कौन है? एस्पिरेशनल क्लास, वंचित वर्ग। उनको मूर्ख बनाना सबसे आसान आज के दौर के नेताओं के लिए हो गया है और वो बेचारे बनते भी हैं, ठगे भी जाते हैं। हर बार इस उम्मीद में रहते हैं कि शायद इस बार उनका भला हो जाए, लेकिन हर बार उनके हिस्से क्या आता है? धोखा। झूठ बोलना एक कला है और नेता इसमें पारंगत हैं, और झूठ को सच मान लेना जनता की फितरत है और वो भी वैसे ही करते हैं। नेता अपनी फितरत में रहते हैं और जनता अपनी फितरत में। नेता झूठ बोलता है क्योंकि उसके पास वो आर्ट है और जनता उसके झूठ को सच मानती है, ये भी एक आर्ट है। वरना कोई कारण नहीं है कि पिछले 17 वर्षों से गैर कानूनी तरीके से ओबीसी कम्युनिटी की 17 जातियों को शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में लाने के लिए हर सरकारों ने दांव चला। ज्यादा पीछे नहीं, 2005 चलते हैं, उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव की सरकार, 18 जातियों का मुद्दा उठा, नोटिफिकेशन जारी किया नेताजी ने कि इन 18 जातियों के लिए अब हमने संशोधन कर दिया है, अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन 17-18 जातियों के लिए प्रमाण पत्र शेड्यूल कास्ट का जारी करेंगे। ये प्रक्रिया शुरू होती, जिलाधिकारियों के स्तर पर पेंडिंग रही। 2007 मुलायम सिंह यादव चुनाव हार गए, मायावती सत्ता पर आई, उन्होंने मना कर दिया और केंद्र को नोटिफिकेशन रद्द करके चिट्ठी लिखी कि 21% का शेड्यूल कास्ट का कोटा जब 25% करोगे तब हम इसको मानेंगे। मामला ठंडे बस्ते में चला गया। मायावती जब तक सत्ता में रही ये मुद्दा कभी फिर उठा नहीं। 2016 अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी की सरकार, फिर एक नोटिफिकेशन जारी होता है और फिर इन 18 कम्युनिटी को शेड्यूल्ड कास्ट घोषित किया जाता है। चुनाव आ गया 2017, अखिलेश यादव चुनाव हार गए, बीजेपी सत्ता में आई, 2 वर्षों तक मामला पेंडिंग रहा। 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन के पहले बीजेपी नोटिफिकेशन जारी करती है कि इन 18 जातियों को अब से शेड्यूल कास्ट माना जाएगा और मामला पहुंच गया कोर्ट। कोर्ट ने कहा कि 2016 का फैसला भी अवैध, 2019 का फैसला भी अवैध। क्यों? क्योंकि दोनों कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया पूरी किए बगैर जारी कर दिए गए थे। आरक्षण देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद में निहित है, किसी सरकार में नहीं। यह लाइन नोट किया जाए, अब से कोई नेता मूर्ख बनाने आए उससे सवाल जरूर करना। आरक्षण देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद में निहित है, किसी सरकार में नहीं, न राज्य सरकार न केंद्र सरकार, भारत की संसद। और आप इसके नाम पर पिछले 17 सालों से आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। यह तब तक प्रभावी या लागू नहीं होगा, कानूनी नहीं होगा, वैध नहीं होगा, कब तक? जब तक कि संसद से इसे पास नहीं कर दिया जाएगा और भारत के राष्ट्रपति इसका नोटिफिकेशन इशू नहीं कर देंगे तब तक। इसके पहले और इसके आगे या पीछे की गई हर बात बेमानी है, हर बात झूठ है। ये बात अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए। इसलिए जब चुनाव आएंगे इन 18 जातियों को तुरंत एक झउवे में रख के कहा जाएगा कि इनको हम शेड्यूल कास्ट बनाएंगे, बनते नहीं बेचारे, मूर्ख बन जाते हैं। जो चाहिए वो तो मिलता नहीं, जो होता है वो भी गंवा देते हैं। ये अधर में लटकी हुई कम्युनिटी है, कभी इस तरफ
कभी इस तरफ। इस्तेमाल कौन करता है? नेता। किस लिए? सत्ता पाने के लिए। इस्तेमाल कौन होता है? आप। फायदा किसको है? उनको। नुकसान किसका? आपका। कुछ बयान सुनिए। सपा सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब गैर संवैधानिक तरीके से इन जातियों के साथ नाइंसाफी करते रहे 30 सालों से। अब इस मामले में मुख्यमंत्री जी साथ मिला हूँ और इस मामले में अब हम ही सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय मंत्री हैं, जहाँ समाज कल्याण मंत्री हैं, उनसे बात होगी। एक पत्र यहाँ से भेजा जाएगा और संविधान में मिला हुआ जो मेरा आरक्षण है और संविधान की सूची में जो लिखा हुआ है, हमें अब संविधान वाला चाहे बेईमान वाला नहीं चाहिए, बेईमान वाले किनारे लग गए और संविधान वाले के लिए हम मंत्री प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। जो पावर केंद्र सरकार को है, अगर उस पावर का इस्तेमाल राज्य सरकार करना चाहे तो असंवैधानिक हो जाता है और उसी का नतीजा रहा है कि हाई कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया है जो नोटिफिकेशन सरकार ने बराबर हर समय पर जारी करते रहे हैं। ये स्पष्ट है कि किसी भी जाति को किसी श्रेणी में खड़ा करना है तो पहले उन जातियों के कोटे को उन जातियों में सम्मिलित करना चाहिए और वो तभी हो सकता है जब केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, लोकसभा में उसको पास कराए और राज्यसभा में पास कराए और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से सहमति ले, फिर RGI रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया पर पंजीकृत कराए, उसके बाद राष्ट्रपति जी का मोहर लगवाकर जीओ जारी कराए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये नोटिफिकेशन किया था कि हाँ इन्हें SC में जाना चाहिए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि इन जातियों का 17 जातियों का भला हो जाए, ये SC में भेज दी जाए, तो आज केंद्र की सरकार भी संजोग से भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी को योगी जी नहीं कर पा रहे हैं तो मोदी जी कर सकते हैं।